दशहरा अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले त्योहार किसी न किसी रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं, लेकिन असल में जिस त्योहार को इस संदेश के लिए मनाया जाता है वह है दशहरा। दिवाली से ठीक 20 दिन पहले पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी अथवा दशहरे के रूप में देश भर में मनाया जाता है। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान श्री राम की कहानी तो कहता ही है, जिन्होंने लंका में 9 दिनों तक लगातार चले युद्ध के पश्चात अहंकारी रावण को मार गिराया और माता सीता को उनकी कैद से मुक्त करवाया। वहीं इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था, इसलिए भी इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और माँ दुर्गा की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी माँ दुर्गा की पूजा कर शक्ति का हान किया था। भगवान श्री राम की परीक्षा लेते हुए पूजा के लिए रखे कमल के फूलों में से एक फूल को गायब कर लिया, क्योंकि श्री राम को राजीव नयन यानी कमल के नेत्रों वाला कहा जाता था, इसलिए उन्होंने अपना एक नेत्र माँ को अर्पण करने का निर्णय लिया। जो ही वह अपना नेत्र निकालने लगे, देवी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने विजय होने का वरदान दिया। माना जाता है उसके पश्चात दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। भगवान राम की रावण पर और माता दुर्गा की महिषासुर पर जीत के इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में देश भर में मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे मनाने के लिए अलग अलग अंदाज भी विकसित किए हुए हैं। कुल्लू का दशहरा देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है, तो पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा सहित कई राज्यों में दुर्गा पूजा को इस दिन बड़े विशेष रूप से मनाया जाता है। साल विजयदशमी का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल अधिक मास लगने की वजह से नवरात्रि और दशहरे का पर्व एक महीना देरी से आ रहा है। 17 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ था, जो कि 24 अक्टूबर को रामनवमी पर संपन्न होगी। इस बार नवरात्रि के 8 दिन होंगे। अष्टमी और नवमी तिथियों को दुर्गा पूजा एक ही दिन होगी। 25 अक्टूबर को दशहरा संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। सनातन परंपरा में शस्त्र और शास्त्र दोनों ही बहुत महत्व रखते थे। शास्त्र की रक्षा और आत्मरक्षा के लिए धर्म सम्मत तरीके से शस्त्र का प्रयोग होता था। प्राचीन काल में क्षत्रिय शत्रुओं पर विजय की कामना के लिए इसी दिन का चुनाव युद्ध के लिए किया जाता था। पूर्व की भांति आज भी शस्त्र पूजन की परंपरा कायम है और देश की तमाम रियायतें और शासकीय शास्त्र नगरों में आज भी शस्त्र पूजा बड़ी धूमधाम के साथ की जाती है। भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा है। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा वाहन पूजा की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों से मुक्ति करता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। दशहरा शब्द की उत्पत्ति दशहरा अर्थात दश से एवं अहं से बना हुआ है। दशहरा उत्सव की उत्पत्ति के विषय में कई कल्पनाएं की गई हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह कृषि का उत्सव है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है, तो घर में हर्षोल्लास उमंग का ठिकाना नहीं होता है। इस प्रसन्नता के अवसर पर भगवान की कृपा मानता है, इसे प्रकट करता है और वह उसका पूजन करता है। तो कुछ लोगों का मत है कि यह रण यात्रा का घोतक है, क्योंकि दशहरे के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, धान आदि सहेज कर रखने का समय आ जाता है। इस उत्सव के संबंध में नवरात्रि से भी है, क्योंकि नवरात्रि के उपरांत ही ये उत्सव होता है। समय रामलीला का भी आयोजन किया जाता है।
रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरे अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के रूप में। दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा, शस्त्र पूजा व हर्ष उल्लास तथा विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रामलीला की जगह जगह रावण का वध का प्रदर्शन किया जाता है। दशहरा पर्व को मनाने के लिए जगह जगह पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर लोग अपने परिवार व दोस्तों के साथ आते हैं, खुले आसमान के नीचे पूरे मेले का आनंद लेते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को दशहरे की हार्दिक बधाइयां।